उदाहरण संख्या 2.7 है। चित्रानुसार एक बिंदु आवेश क्यू एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो ये एक अर्धगोला आपके पास दे रखा है और इस अर्धगोले के केंद्र पर आवेश कितना है? क्यू। पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। पहले तो ये बताओ, यदि ये आवेश अर्धगोले के इस बिंदु पर रखा है तो ये खुले पृष्ठ पर है कि आपके पास बंद पृष्ठ में है? जैसे आपके घर में जो कटोरी होती है उसके बीच में आवेश रखा है तो वो क्या है? खुला पृष्ठ है। बंद पृष्ठ के लिए क्या करेंगे? ऐसा ही एक अर्धगोला इसके ऊपर और रख देंगे, ऐसा ही एक अर्धगोला इसके ऊपर रख देंगे। तो इस आवेश को बंद करने के लिए कितने अर्ध गोले काम में लेने पड़े? दो। और दो अर्धगोले होते ये क्या बन गया? एक बंद पृष्ठ का आवेश। और गाउस ने ये बोला कि पृष्ठ कैसा भी हो, यदि वो बंद है तो बंद पृष्ठ के कारण जो फ्लक्स का मान होगा वो होगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो दो अर्धगोले का कितना फ्लक्स है? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। एक अर्धगोले का कितना होगा? क्यू बटा टू एप्सिलॉन नॉट। और ये तो पूछा है कि इस अर्धगोले का फ्लक्स बताओ, कितना आ जाएगा? क्यू बटे वे टू एप्सिलॉन नॉट।